हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो अभी तक रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो बीएससी वालों के लिए तो कल ही इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई थी कि कल रात को 9 बजे कानपुर यूनिवर्सिटी ने बीएससी का रिजल्ट अपडेट कर दिया है। पोर्टल पर उनका रिजल्ट आ चुका है। अब बात आती है बीए वालों की कि बीए के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट पोर्टल पर कब तक अपडेट किया जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि कानपुर यूनिवर्सिटी किसी भी वक्त बीए का रिजल्ट घोषित कर सकती है, पोर्टल पे अपडेट कर सकती है, क्योंकि आज कानपुर यूनिवर्सिटी का एडमिशन का लास्ट डे है। इस वजह से कल रात को 9 बजे बीएससी का रिजल्ट तो अपडेट कर दिया गया था। अगर मैं आपको लाइव भी दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हम सेशन की बात करें तो यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइप की बात करें तो यूजी, एग्जाम टाइम आपका रेगुलर होता है। कोर्स की बात करें तो ये देखिए, यहाँ बीएससी वालों का रिजल्ट जो है वो कल रात को 9 बजे अपडेट कर दिया गया है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और आप रोल नंबर फिल करके यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन बीए वालों का अभी तक आया नहीं है। किसी भी वक्त आपका अपडेट किया जा सकता है। हो सकता है आज ही आपका रिजल्ट आ जाए, 9 बजे तक आए या 9 बजे के पहले आए। तो ये इन्फॉर्मेशन है गाइस। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही पोर्टल पे अपडेट होंगी चीजें, जैसे ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको पोर्टल पे चेक करना है अगर रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो आप कैसे अपने फोन, मोबाइल फोन की हेल्प से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे सर्च करना है CSJMU रिजल्ट 2022। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना सेशन फिल करना है जो कि आपके 21-22 ही चल रहा है। कोर्स टाइप यूजी है। फिर उसके बाद आपको रेगुलर में क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसका रिजल्ट देखना है, बीए बीएससी किस कोर्स का रिजल्ट देखना है। बीए का जब रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा बीए। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है उसको। जैसे हम अगर यहाँ बीएससी सेलेक्ट करें तो उसके बाद सेमेस्टर मांग रहा है, सेमेस्टर हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रोल नंबर फिल करके सर्च कर लेना है। आपका जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ऐसे आप अपना रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की भी सहायता से। ये सारी चीजें थी गाइस। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको पहुंचा दूंगी आप तक, और आप एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट होता है पोर्टल पे तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू।